दोस्तों अब आप हमें अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको हमारे द्वारा दिए गए कोर्सेज के वीडियो आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, क्लिक करके फॉलो कर लीजिए। आप देखेंगे यहाँ पे आपको यूपी टेट सी टेट से रिलेटेड सारे कोर्सेज अवेलेबल कराए गए हैं, तो आप इन सभी को देख सकते हैं आसानी से। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है MS SSC नोट्स में। दोस्तों आज हम आप लोगों को धातु रूप के बारे में बताएंगे और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अगर पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा। आइए देखते हैं। धातु, वैसे तो कई धातुएं होती हैं जैसे पठ, दृश्य, गम, भू, स्था, पा, नी, की। पठ, दृश्य, भू, स्था, पा, नी, क्री, इस प्रकार से बहुत सी धातुएं होती हैं। उसमें से हम एक धातु को लेते हैं, पट धातु को। पट धातु के लिए जैसे एक काल होता है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, लोट लकार, विधिन लकार। तो वर्तमान काल के लिए हम लेते हैं ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। पुरुष तीन होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पठ धातु के वर्तमान काल में पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठत। उत्तम पुरुष में पठामि, पठावः, पठामः। इस प्रकार से ये वर्तमान काल है, पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठतः, पठामि, पठावः, पठामः। ऐसे दृश्य का होता है देखना, पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति हो जाएगा, पश्यसि, पश्यतः, पश्यतः, पश्यामि, पश्यावः, पश्यामः। भू का भवति, भवतः, भवन्ति, भवसि, भवतः, भवत, भवामि, भवावः, भवामः। तो इस प्रकार से हम धातुओं का प्रयोग करते हैं। ये वर्तमान काल है, वर्तमान काल पठ, इसका प्रयोग होता है वर्तमान काल। जैसे अनुवाद के नियम हम अनुवाद कर रहे हैं, तो जैसे वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, तो पढ़ता है ये वर्तमान काल है। तो यहाँ पर वही वर्तमान काल में बता ही चुका हूँ कि पठत, पढ़ता, पढ़ने, ये रूप वर्तमान काल का है, पढ़ धातु का है। तो सह माने वह और पठति माने पढ़ता है। पर धातु का, धातु जो प्रयोग होता है अनुवाद में होता है। अनुवाद के नियम के लिए हमें धातु रूप का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और ये वर्तमान काल है, ता है जिसके अंत में होता है, ता है, ती है, ते, तो वर्तमान काल होता है। तो सह पठति, वह पढ़ता है। और अगर हम कहें वह पढ़ती है तो लिख देंगे सा और पठति, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ये वर्तमान काल का रूप हो गया। आगे वर्तमान काल के बाद भूतकाल का प्रयोग होता है। भूतकाल का रूप होता है पठ का, अपठत, अपठताम, अपठन। अपठः, अपठतम, अपठत। उत्तम पुरुष में है अपठम, अपठाव,
अ पठाम। धातुकल्प जो भूतकाल का है, इसका प्रयोग जैसे वन डे एग्जाम होते हैं, कोई भी एग्जाम हो गया उसके एग्जाम के लिए देखिए क्या पूछता है, भूतकाल के लिए क्या होता है। जैसे पूछ लिया कि अपठत और अपठत दोनों में क्या अंतर है, तो पठ धातु का भूतकाल, पठ धातु का जो लंग लकार है प्रथम पुरुष एक वचन में अपठत होता है तो में हलंत रहेगा, और अपठत पठ धातु लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में अपठत होता है। जैसे अलिखत अलिखताम अलिखन अलिखा अलिखतम अलिखत अलिखम अलिखाव अलिखाम, हंस हो गया, अहसत अहसताम अहसन अहस अहस्तम अहसत अहसम अहसाव अहसाम, इस प्रकार से धातु का प्रयोग होता है। ये पठ धातु का भूतकाल का है, और इस भूतकाल पर धातु के अलावा भी जो और धातुएं हैं उसमें आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो भूतकाल में अनुवाद में आते हैं, जैसे वे सब बाजार जाते थे, तो ये भूतकाल का वाक्य हो गया। अगर था थे थी रहेगा इसमें से कोई एक तो हम कहेंगे ये भूतकाल का वाक्य है। तो जो पठ धातु या कोई भी धातु का जब हम भूतकाल याद करेंगे, लंग लकार याद करेंगे, तो उसमें क्या फ़ायदा होगा कि जब भूतकाल के जब अनुवाद आएंगे, छोटे हों या बड़े हों अनुवाद अगर आएंगे, तो उसमें ये सहायता करता है। रूप धातु रूप का होना बहुत ज़रूरी, ज्ञान होना ज़रूरी है। सह तव ते, ते मीन्स होता है वे सब, आपणम मीन्स होता है बाजार। सह तव ते तीसरा नंबर है अगर ये, तो यहाँ पर वही तीसरा नंबर होगा बहुवचन में। गच्छत नहीं, गच्छत नहीं, जैसे भूतकाल है ना, तो अगच्छत अगच्छताम अगच्छन अगच्छन। और यहाँ पर अगर कर दें कि वे सब पढ़ते थे, तो ते अपठन पढ़ने का अगर हम लिया जाए, तो जैसे सह तव ते, तम युवाम युवम अहम अवाम वयम, ये तीन लाइन जो होती है उसी के अनुसार ये रूप भी होता है। तो अपठत अपठताम अपठन, अगर वे सब पढ़ते थे अगर लिख दें तो अपठन है ना, सह तव ते ते अपठन ते अपठन, वे सब पढ़ते थे, अगर पढ़ते थे होता तो, क्योंकि वे सब बाजार जाते थे ये भूतकाल का वाक्य है। तो ते आपणम अगच्छन अगच्छत अगच्छताम अगच्छन, प्रथम पुरुष बहुवचन अगच्छन हो गया। इस प्रकार से ये भूतकाल का प्रयोग होता है। इस प्रकार से और जो धातुएं हैं उसका भी भूतकाल हम याद कर लें और उसका प्रयोग भी होता है। और आइए अब भविष्यकाल के बारे में जानते हैं। वर्तमान काल हो गया, भूतकाल, वर्तमान काल को लट लकार के नाम से भी जानते हैं, भूतकाल को लंग लकार के नाम से जानते हैं, और भविष्यकाल के बारे में आज जानकारी लेते हैं। भविष्यकाल ऋट लकार, पठ का भविष्यकाल है पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यतः, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः, पठिष्यामः। तो ये भविष्यकाल का रूप है। भविष्यकाल को हम लिट लकार के नाम से भी जानते हैं। तो जैसे पठिष्यति है हसिष्यति, हसिष्यतः, हसिष्यन्ति, हसिष्यसि, हसिष्यथः, हसिष्यथ, हसिष्यामि, हसिष्यावः, हसिष्यामः। तो इस प्रकार से हम रूप भविष्यकाल का प्रयोग करते हैं। जैसे अनुवाद के लिए क्या है कि गागेगी, भविष्यकाल में जो हम प्रयोग करते हैं गागेगी में से कोई एक, जैसे हम सब कल मंदिर जाएंगे,
तो ये भविष्य काल है। कोई भी वाक्य हम बना सकते हैं, छोटा या बड़ा। वे सब पढ़ेंगे, हम सब कक्षा 10 में पढ़ेंगे, हम सब खाना खाएंगे, मंदिर जाएंगे, बाजार जाएंगे, स्कूल जाएंगे, जाएंगे। अगर अंतिम में गा गेगी में से कोई एक आता है तो हम कहेंगे भविष्य काल का वाक्य है। तो हम जो भविष्य काल का अभी लिखे हैं पठ का रूप यहाँ पर पठिसित पठिता पठिसन्ति, तो ये भविष्य काल का लिट लकार का है। तो भविष्य काल का प्रयोग कहाँ होता है? अनुवाद, जैसे अनुवाद आ गए, हमको अनुवाद करना है वंडिक एग्जाम वगैरह में, या कोई पूछ ही लिया, तो अगर गा गे गी में से कोई एक है तो हम कहेंगे भविष्य काल है। तो भविष्य काल के लिए हम अनुवाद करते हैं इसको, वयम कल। स्व मीन्स आने वाला कल, हे मीन्स बीता हुआ कल, तो ये बीता हुआ कल तो है नहीं, आने वाला कल है। तो स्व हम सब, वयम स्व हम सब कल, मंदिर मंदिरम मंदिरम, हम सब कल मंदिर जाएंगे। अब जाएंगे तो पठिसित तो चलेगा नहीं, पढ़ने का अगर हम सब पढ़ेंगे अगर होता तब पठिसित पठिसित चलता, जाएंगे तो गम का रूप चलता है ना, गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति गमिष्यसि गमिष्यतः गमिष्यथ गमिष्यामि गमिष्यावः गमिष्यामः, जाएंगे। तो सह तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम आवम वयम, वयम यहाँ पर अगर है, शुरू में यहाँ पर वयम आया है तो अंतिम में वयम के साथ यहाँ पर श्यामा लगा है। अगर पढ़ने का होता तो पढ़ने का तो यहाँ पर है ना, जाएंगे तो गमिष्यामि गमिष्यावः गमिष्यामः, वयम गमिष्यामः हम सब जाएंगे कहाँ, कल मंदिर, स्व मंदिरम, वयम स्व मंदिरम गमिष्यामः। हम सब कल मंदिर जाएंगे। तो इस प्रकार से छोटे बड़े कई अनुवाद हो सकते हैं, जो बनाना चाहें बना सकते हैं। ध्यान यही रहे कि अनुवाद बनाने के लिए हमको भविष्य काल जब हम प्रयोग करते हैं तो गा गेगी होना चाहिए, हम सब पढ़ेंगे लिखेंगे हंसेंगे खेलेंगे दौड़ेंगे जाएंगे, तो ये गमिष्यामः हो गया। अगर पढ़ेंगे तो पठिसित पठिसता वाला रूप चलेगा, वह सह तवते उसके अंतर्गत हम बैठा सकते हैं, लिख सकते हैं, कर सकते हैं अनुवाद को। तो ये भविष्य काल का इस प्रकार से हो गया। अब लोट लकार और विधिन लकार, दो लकार बचा हुआ है, तो वर्तमान भूत भविष्य हो गया। अब आई लोट लकार, पठ का है, पठतु पठताम पठन्तु, पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत पठानि पठानि पठाव पठाम। पठानि है तो पठानि और पठामि दोनों में अंतर है। जब कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए या कोई पूछ लेता है, जैसे पठानी और पठामी दोनों में क्या अंतर है, थोड़ा सा देख लीजिए। पठामी ये अगर अंतर पूछ लिया जाए तो वनडे एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभार, तो इन दोनों में अंतर है। एक तो न और म का अंतर है, और दूसरा ये अंतर है कि पट धातु उत्तम पुरुष एक वचन में पठामी होता है लट लकार में वर्तमान काल में, और लोट लकार में पठानी हुआ है। तो ये अंतर दोनों में हम ध्यान देंगे, एग्जाम में आता है ना, तो पठानी। अब अगर यहाँ पे पठाव है, अगर पठावह कर दिए तो गलत हो गया, पठावह लोट लकार में नहीं होगा, वर्तमान काल में लट लकार के वर्तमान काल में होगा। पठामी वहाँ पर वर्तमान काल में नी नहीं होगा, पठामी पठावह पठामा होगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, पठानी पठाव पठाम। तो ये लोट लकार का है। लोट लकार मीन्स आज्ञार्थक, जैसे कोई आज्ञा देता है, आज्ञा तो जैसे तुम वहाँ जाओ, तुम पढ़ो, तुम खेलो, ऐसा लग रहा कोई आज्ञा दे रहा है, कोई कह रहा है मुझे कि तुम पढ़ो। अनुवाद अगर हम करना चाहेंगे लोट लकार के लिए, तुम पढ़ो, तुम खेलो, तुम वहाँ जाओ, तो सतौते त्वम, त्वम मीन्स तुम, त्वम पढ़ो आज्ञार्थक है, लोट लकार है, इसी का प्रयोग करेंगे। पठ यहाँ पर है ही, पठत पठतम पठन तो पठ,
तो सह तौ ते, उसके बाद त्वम आ गया, तो मध्यम पुरुष एक वचन में यहाँ पर है त्वम, ये त्वम है, तो यहाँ त्वम है तो पढ़ो तो पठ, त्वम पठ, तुम पढ़ो, तुम लिखो, लिखतु लिखताम, अगर लिख का प्रयोग हम करना चाहें अगर अनुवाद के लिए तो लिखतु लिखताम, लिखंतु लिख लिखतम, लिखत लिखानी, लिखाव लिखाम, तो लिख होगा, तुम लिखो त्वम लिख, तो ये लोट लकार होता है, ये आज्ञार्थक, जैसे कोई आज्ञा दे रहा है कह रहा है तो ये लोट लकार का प्रयोग हम करते हैं। कई धातुएं हैं, सब धातुओं में हम अपने से कर सकते हैं, एग्जाम की तैयारी के लिए कर सकते हैं। लोट लकार आज्ञार्थक हो गया। अब अंतिम में बचता है विधिलिंग, चाहिए के अर्थ में, जैसे अनुवाद हम सब लोग करते हैं, अनुवाद करने के लिए पूछा भी जाता है वनडे एग्जाम में कि जैसे अनुवाद है कि हम सबको वहाँ जाना चाहिए, हम सबको चाय पीना चाहिए, तो चाहिए के अर्थ में जो होता है उसका प्रयोग इसमें हम कर रहे हैं विधिलिंग लकार के लिए। पठेत पठेताम पठेयुः, पठेत पठेताम, ये विधिलिंग चाहिए के अर्थ में, पठेत पठेताम पठेयुः, पठेह पठेतम पठेत पठेयम पठेव पठेम। विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में जो प्रयोग होता है पठ का रूप, तो अगर हंस का रूप जैसे अगर लिखना चाहें तो हसेत हसेताम हसेयुः, हसेह हसेतम हसेत, हसेयम हसेव हसेम, लिखेत लिखेताम लिखेयुः, लिखेह लिखेतम लिखेत, लिखेयम लिखेव लिखेम, इस प्रकार से हम जो धातु रूप है उसका प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं अपने से भी। और एग्ज़ाम अगर हम जो पूछा जाता है इससे अनुवाद अगर पूछा जाए तो पढ़ना चाहिए, अभी इसके पहले जो बताए थे वो आज्ञार्थक है, जैसे तुम पढ़ो, तुम खेलो, तुम वहाँ जाओ, तुम चाय पियो, तो वो कोई आज्ञा दे रहा है। और इसमें क्या है विधिन लकार में क्या है चाहिए, इसे हम सबको पढ़ना चाहिए, हम सबको खेलना चाहिए, तो हम सबको पढ़ना चाहिए। हम सबको पढ़ना चाहिए, अब इसमें चाहिए के अर्थ में है तो सह तवते त्वम युवाम युवम अहम आवाम वयम, अहम मन मय अवाम मन हम दोनों, वयम मन हम सब, तो वयम ये उत्तम पुरुष का बहुवचन में वयम आ रहा है, तो वयम हम सबको, वयम पठेयम पठेव पठेम, अहम अवाम वयम एकदम अंतिम है, उत्तम पुरुष का बहुवचन है तो पठेम पढ़ना चाहिए, वयम पठेम हम सबको पढ़ना चाहिए, हम सबको लिखना चाहिए, हम सबको चाय पीना चाहिए, हम सबको वहाँ जाना चाहिए, तो जैसे हम सबको चाय पीना चाहिए, हम सबको यहाँ पर लिखा है तो हम दूसरा चेंज कर देते हैं, हम दोनों को, चाय पीना चाहिए, हम दोनों को, अहम माने मैं आवाम माने हम दोनों, आवाम हम दोनों, चायम हम दोनों को चाय पीना चाहिए, चाय का चायम, दूध का दुग्धम, जल का पानी है जल का जलम, इसमें हम चेंज कर सकते हैं अपने अनुसार, तो हम दोनों को चाय पीना चाहिए, आवाम चायम। अब पिबेत पिबेताम पिबेयुः, पिबेह पिबेतम पिबेत, पिबेयम पिबेव पिबेम, तो अहम आवाम, आवाम में हम दोनों है तो पिबेयम पिबेव, ये उत्तम पुरुष द्विवचन में आ रहा है ना, आवाम हम दोनों तो पिबेयम पिबेव पिबेम, पिबेयम पिबेव,
इस प्रकार से हम अनुवाद कर सकते हैं। आप वर्तमान काल हो गया, भूतकाल हो गया, भविष्यकाल। वर्तमान काल को लट लकार के नाम से भी जानते हैं, भूतकाल को लंग लकार के नाम से जानते हैं। ये वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछता भी है कि वर्तमान काल को और किस नाम से जानते हैं, तो हम बोलेंगे लट लकार नाम से। भूतकाल को लंग लकार नाम से जानते हैं, भविष्यकाल को लृट लकार के नाम से जानते हैं, विधिलिंग चाहिए के अर्थ में, और लोट लकार आज्ञार्थक, जैसा कि आप लोग सब देख चुके हैं, जान समझ चुके हैं। तो हम दोनों को चाय पीना चाहिए, वह आवाम चायम पिबेव, तो ये ध्यान देंगे। इस प्रकार से हम अनुवाद करते हैं। ये धातु रूप का प्रयोग, बहुत से धातुएँ होती है, उसमें से कुछ धातुओं का प्रयोग मैंने बताया, और आप लोग धातु का प्रयोग अपने से करेंगे, अपने से बैठ करेंगे, और उसमें जो दिक्कत होगी वे आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। वीडियो को पसंद आए लाइक कर दीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।